कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर रही है छपरा के बनियापुर के रहने वाली बेटी कुमारी अंकिता, जो ग्रेजुएशन पार्ट टू की फाइनल परीक्षा दे रही है। बीमारी ने उनके हाथों को कमजोर कर दिया, लेकिन उनके हौसलों ने उसे कभी कमजोर नहीं होने दिया। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। पैरों से अपना मुस्तकबिल लिख रही ये बेटी बीए पार्ट टू की छात्रा कुमारी अंकिता है। बीमारी ने उसके हाथों को कमजोर कर दिया, लेकिन उसके हौसले पस्त न कर सका। छपरा के बनियापुर के किराना व्यापारी अशोक प्रसाद की इस बेटी को 4 साल की उम्र में मेनिनजाइटिस बीमारी ने घेर लिया, जिसके बाद परिवार वालों ने पटना से लेकर मुंबई तक उसका इलाज कराया, जिससे अंकिता स्वस्थ तो हो गई, लेकिन उसके हाथों की उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया और गले की आवाज भी खराब हो गई। बीमारी ने अंकिता की उंगलियों और आवाज को तो उससे छीन लिया, लेकिन उसके हौसले को पस्त न कर सका। अब अंकिता ने अपने पैरों को ही हाथ के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसी से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, और आज की तारीख में वो अपने पैरों से भी खूबसूरत अक्षर उकेर देती है। अंकिता पढ़ लिख कर एक बेहतर मुकाम हासिल करना चाहती है और उसे ये कुछ इस तरह से बयां भी कर रही है। अंकिता का जन्म साल 2000 में एक साधारण परिवार में हुआ। अंकिता के 3 बहन और 1 भाई हैं, जिसमें वो सबसे बड़ी हैं। माँ चंद्र रेखा देवी एक गृहिणी हैं, लेकिन उनकी बेटी अपनी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहती है। इसके लिए वो राम जयपाल कॉलेज में बीए पार्ट टू की परीक्षा भी दे रही हैं। कॉलेज के प्राचार्य और केंद्राध्यक्षक डॉक्टर इरफान अली ने अंकिता के हौसले और उसके लिखावट की कुछ इस तरह से प्रशंसा की है। हाँ, यह हमारे लिए एक मिसाल है, अद्भुत है। इतने अपने करियर में, मुझे भी 30 साल हो गया पढ़ाते और शैक्षणिक जीवन व्यतीत करते हुए, पहली बार इस तरह की बच्ची आई है, सामना हुआ है, जो पैरों से लिख रही और इतनी खूबसूरत लिख रही है। हिस्ट्री अनर्स की बच्ची है, आज उसका सब्जेक्ट का पहला पेपर है ज्योग्राफी। बीसी साहब भी आए थे हमारे और उन्होंने ऐलान किया है कि मैं इसको घोषित करूँगा, यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करूँ। देखा आपने, प्राचार्य के मुताबिक परीक्षा के दौरान जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर फारूक अली ने अंकिता से मिलकर उसकी शिक्षा के लिए मदद और विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा करने की बात कही है, जो अपने आप में गौरव की बात है। अंकिता उसके लिए भी एक नजीर है जो हाथों से विकलांग है, लेकिन उनके सपने अंकिता के जैसे ही है। छपरा से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए विपिन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।